200 HP तक स्टार डेल्टा स्टार्टर का एक कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है, थोड़ा प्रोसेस को जानते हैं। सबसे पहले हमारा जो फेस SPCR रिले रहती है, सीक्वेंस फेस कंट्रोल रिले, इसमें हमारा कंट्रोलिंग के लिए कार एक वाई एक बी एक न्यूट्रल, तीनों फेस एक न्यूट्रल मिलता है। अगर हमारा फेस सीक्वेंस ओके है तो यह फेस आगे आउट करता है। यह फेस आउट होने के बाद हमारा फेस मिलता है सिंगल पोल MCB को। सिंगल पोल MCB से फेस गुजरते हुए OLR पे जाता है, जो कि मेन कॉन्टैक्टर के पीछे हमारी ओवरलोड रिले लगी रहती है। वो है अगर हेल्थी है तो उससे गुजर के हमारा जो फेस निकल के आता है वो स्टॉप के एक पॉइंट पे रहता है, जबकि नॉर्मली हमारा NC कॉन्टैक्ट रहता है स्टॉप पुश बटन के पीछे। इस NC पॉइंट से गुजर के हमारा जो फेस निकल के आता है स्टार्ट के NO कॉन्टैक्ट के वन साइड में, और जो यही लूप होके पैरेलल में हमारा मेन कॉन्टैक्टर के NO कॉन्टैक्ट में साइड में चला जाता है। इधर से शॉर्ट होके हमारा फेस यहीं पे रहता है। अब हमारा सिस्टम बंद है अभी, क्योंकि यहाँ पर अगर फेस हमारा यहीं तक अभी आया हुआ है, आगे नहीं। अभी जैसे ही हम स्टार्ट को पुश बटन करते हैं, पुश करते हैं ऑन करने के लिए, तो हमारा जो फेस है वो NO, ये जैसे ही हमने पुश किया इसको, ये NC हो गया। यहाँ से फेस गुजर के सीधा हमारा टाइमर की कोयल पे गया है, यानी कि टाइमर ऑन हो गया हमारा और मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है। ये मेन कॉन्टैक्टर का है, मेन कॉन्टैक्टर की कोयल है, ये टाइमर कोयल है, न्यूट्रल हमारा इधर से मिल जाता है, कॉमन रहता है न्यूट्रल। जैसे ही हमने पुश किया तो हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है, और जब हम वापस इसको छोड़ देते तो वापस एन हो जाता है। अब हमारा जो मेन का कॉन्टैक्टर है वो कंटिन्यू ऑन कैसे रहता है, इस NO के थ्रू। अभी हमारा जो फेस का पाथ है वो यहाँ से होते हुए हमारा मेन कॉन्टैक्टर की कोयल ऑन रहती है, ये हमारा पाथ चलता रहता है। जब तक हम स्टॉप नहीं दबाएंगे ये मेन कॉन्टैक्टर ऑफ नहीं होगा। अब हमारा अभी स्टार्टिंग टाइम में जो स्टार डेल्टा स्टार्टर में है, सबसे पहले मेन कॉन्टैक्टर लगता है और हमारी डेल्टा में चलती है। स्टार्टिंग में हमारा जो हमारा टाइम सेकंड रहता है 10 सेकंड का, मालूम है टाइमर में टाइम सेट है, तो 10 सेकंड के लिए मेन कॉन्टैक्टर ऑन रहता है। मेन कॉन्टैक्टर कंटिन्यू हमेशा ऑन रहेगा, उसके साथ में 10 सेकंड के लिए डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा, जिससे हमारी स्टार्टिंग बढ़िया रहती है स्टार डेल्टा स्टार्टर में। ये जैसे आया हमारा मेन कॉन्टैक्ट, टाइमर ऑपरेट हुआ, टाइमर में ये देखो ये फेस इधर से आया टाइमर के NC से होते हुए, फिर ये इसकी इंटरलॉकिंग है हमारी डेल्टा और स्टार कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग के लिए। स्टार के NC से होते हुए फेस हमारा डेल्टा की कोयल पे चला गया है। अब जैसे ही 10 सेकंड होती है, टाइमर क्या करता है, इस NC को NO बना देता है और इस NO को NC कर देता है, ये कॉन्टैक्ट चेंज कर देता है 10 सेकंड जिसमें टाइम डालते हैं। जैसे ही ये टाइम डालते हैं तो ये NC NO जाता है, ये NC हो जाता है हमारा। जैसे ही NC है तो ये कॉन्टैक्टर हमारा बंद हो जाता है, और ये बंद हो जाता है तो हमारा डेल्टा का वापस NC कॉन्टैक्ट हो जाता है, तो फेस हमारा अब यहाँ से टूट जाता है फेस, और ये फेस हमारा 21 को मिलता रहता है कंटिन्यू, इसको टाइमर को मिलता रहता है कोयल को, कॉन्टैक्ट मेन कॉन्टैक्टर कोयल को मिलता रहता है। यहाँ से फेस हमारा टूट गया और हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर बंद हो गया, और विद इन 1 सेकंड के अंदर ही हमारा स्टार का कॉन्टैक्टर लग जाता है इस टाइमर के थ्रू। टाइमर जैसे ऑपरेट हुआ ये NC टाइमर का, अब हमारा कॉन्टैक्टर ऑन है मेन का और स्टार का, अब हमारी मोटर रनिंग स्टार में आ जाती है। अब स्टॉप का लॉजिक क्या रहता है, जैसे ही हम स्टॉप दबाएंगे तो हमारा जो फेस है यहीं से आगे नहीं जाएगा, ये NC NO हो जाएगा। जैसे ही हम पुश करेंगे स्टॉप को तो हमारा सारे सर्किट में फेस हमारा ब्रेक हो जाता है, जिससे हमारा सर्किट ऑफ हो जाता है, और वापस हमारा फिर जैसे ही हम इसको पुश बटन को छोड़ते हैं तो हमारा वापस NC हो जाता है। NC होने के बाद हमारा फेस वही पहले वाली पोजीशन आ जाती है, हमारा फेस हमारा एक तो यहाँ पे स्टार्ट के NO के वन साइड में खड़ा रहता है, इसी के पैरेलल में उठा के हम मेन कॉन्टैक्टर के एक NO पे देते हैं, यहीं तक हमारा फेस रहता है, तो आगे नहीं जाता, जिससे हमारा सर्किट अभी बंद है। फिर से हम जैसे ही पुश करते हैं तो पुश करने के बाद कुछ सेकंड के लिए हमारा जैसे ही पुश करते हैं तो ये NC से लेता है इधर से फेस, जो मेन कॉन्टैक्टर ऑन रहता है टाइमर ऑन रहता है ये हमारा रहता है। जैसे ही हमने पुश किया, जो हमारा नॉर्मली ओपन रहता है स्टार्ट पुश बटन, जैसे ही हमने उसको पुश करा तो NC हो जाता है कुछ देर के लिए, जब तक हम इसको पुश रखेंगे। जैसे NC रहा ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो जाता है, कोयल एनर्जाइज होने के बाद मेन कॉन्टैक्टर का NC पॉइंट काम करने लग जाता है, और ये अब हमारा जो कॉन्टैक्टर ऑन रहता है वो हमें मेन कॉन्टैक्टर के NO से ही फेस आता हमें, और ये ऑन रहता है जब तक हम स्टॉप नहीं करेंगे, ये NO के सर्किट्स के थ्रू चलता रहेगा। और इसमें हम और भी कई फंक्शन करते हैं, कहीं ऑटो मैनुअल का रहता तो हमारा यहाँ SPC के से जस्ट के बाद में हमारा एक ऑटो मैनुअल, ये कॉमन पॉइंट रहता है, इधर हम बीच में सर्किट लगा सकते हैं। और इंडिकेशन भी लेते हैं, लैंप इंडिकेशन लेते हैं, जैसे कि हमारा लैंप रहता है एक मेन ऑन ऑफ के लिए, मेन कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ, स्टार का लैंप यूज़ करते हैं,
डेल्टा का यूज़ करते हैं, लैंप, इंडिकेशन लैंप जो हम डोर पे देखते हैं उन देखते हैं, ट्रिप का भी हम लेते हैं, कई बार ओवरलैप ट्रिप हो जाती है तो ट्रिप का भी लैंप हम देखते हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। फेस जो होता है वह फेस हमारा जो OLR का ट्रिप पॉइंट होता है, यानी कि नॉर्मली जो हमारा NC कॉन्टैक्ट से जाती है उससे फेस निकलेगा, जब OLR ट्रिप होती है तो NC से फेस निकलेगा और वो हमारा लैंप पे चला जाएगा और लैंप इधर से न्यूट्रल ले लेगा। ऐसे ही हम मेन कॉन्टैक्टर के कोइल के जो है वो NO से हम ऑफ इसका ऑन का इंडिकेशन लेते हैं मेन कॉन्टैक्टर के NO से। जैसे ही मेन का कॉन्टैक्टर लगेगा तो वो ये NO NC हो जाएगा और हमारा लैंप, हमारा मेन कॉन्टैक्टर का ऑन लैंप दिखेगा, ये ट्रिप का इंडिकेशन का है। ऐसे हम सभी के NO कॉन्टैक्ट उठा के हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये है बेसिकली वायरिंग डायग्राम स्टार डेल्टा स्टार्टर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इंजीनियर ज्ञान चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर नॉलेजेबल वीडियो आपके पास पहुंचे।